सो वेलकम गाइस, आप सभी का इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की फर्स्ट गेम प्ले वीडियो के अंदर है। गाइस मैं नाइस सिटी के अंदर नया हूँ और मेरे पास फूड रिकॉर्ड ही नहीं है। बस सामने आप लोग जो बाइक देख रहे हो वो है और मेरा ये घर, और मुझे अभी काम की जरूरत है। तो मैंने अपने दोस्त यश को बोल दिया है कि भाई मेरे लिए कोई काम ढूंढ, और उसने मुझे एक बंदे का लोकेशन भेजा और उसने बोला है कि यार वो तुझे हो सकता है काम दे दे, तो तू उसको जाके विजिट कर, हो सकता है यार वो बंदा तुझे कोई काम दे दे। अब देखो भाई मेरे पास कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, ठीक है मैंने कोई काम तो नहीं किया, बट देखते कि यार अगर वो बंदा हमको कोई जॉब दे दे तो यार अपना थोड़ा सा गुजारा हो जाएगा। मतलब यार खाने के लिए भी ना घर के अंदर कुछ भी नहीं है भाई, तो इस वजह से ना मेरे को काम की ना बहुत ज़रूरत है, वरना तो भाई मुझे बाइक भी बेचनी पड़ जाएगी और भाई मैं कंगाल हो जाऊँगा भाई। घर है एक, वो भी अगर मैंने बेच दिया तो सोचो भाई क्या क्या होगा यहाँ पे। मतलब यार सड़क पे बैठ के भीख मांगने की ज़रूरत आ जाएगी मेरी तो। और मुझे लगता है ना अपनी सिटी के अंदर ना मैं ही मतलब गरीब हूँ, मतलब मेरे पास ना कोई काम है ना ही कुछ है, मतलब सारे के सारे बंदे भाई यहाँ पे जॉब वाले हैं, इनके पास भाई इतनी महंगी महंगी कारें हैं, मेरे पास कार के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, बस एक बाइक है। और पता नहीं भाई कब तक मेरे पास ये बाइक है, अगर कोई जॉब नहीं मिली तो भाई खाने के लिए तो मुझे इस बाइक को बेचनी ही पड़ेगी यार। अब मैं क्या ही तो कर सकता हूँ, बट देखते कि यार उस बंदे से मिलते हैं, और उस बंदे ने बोला था कि यार वही एयरपोर्ट के आसपास कोई मिलेगा तुझे, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। और भाई साहब यहाँ पे गाड़ी को ठोक के भाई क्या ही तो स्टंट कर रहा हूँ यार मैं। अरे भाई साहब कोई स्टंट करने वाली कोई जॉब मिल जाए तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो यार पहले उस बंदे के लोकेशन पे चलता हूँ मैं, एंड फिर बात करते हैं कि यार उस बंदे से, और देखते हैं कि यार कोई उसे जॉब हो मेरे लिए तो अच्छी बात होगी। और ये रहा वो बंदा, तो चलो यार इससे हम लोग बातचीत करते हैं। अभी मैंने बाइक तो साइड पे लगा ही दी है, तो चलो यार जल्दी जल्दी से मैं इससे बातचीत करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है यार, मेरे को और भी काम करने हैं। और भाई अगर मेरे को कोई जॉब नहीं मिली तो भाई फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई इस बंदे के साथ। तो चलो यार सबसे पहले तो मैं इससे बातचीत करता हूँ, पता नहीं ये बंदा कहाँ जा रहा है। ओके तो गाइस फिलहाल मैंने इस बंदे से बातचीत कर ली, और यहाँ पे एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज, बताओ यार मैं कौन सा सुना हूँ। चलो यार मैं यहाँ पे गुड न्यूज ही सुना देता हूँ। गुड न्यूज ये है कि मेरे को एक जॉब मिल चुकी है, बट बैड न्यूज ये है कि वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी होने वाली है। और यहाँ पे होने वाला एक बहुत ही धमाकेदार रेस, मतलब बहुत जल्दी यहाँ पे एक रेसिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, और इस बंदे ने बोला है कि अगर तुम वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर ले तो तुम्हें ये जॉब परमानेंट भी मिल सकती है। तो यार मेरे को वहाँ पे रेसिंग कॉम्पिटिशन के अंदर जीतना है, मतलब जीतना तो नहीं है, मतलब मेरे को अच्छे से अच्छे स्टंट करने हैं, जिससे अगर जज इंप्रेस हो गए, लोग इंप्रेस हो गए, तो मेरे को परमानेंट जॉब भी मिल सकती है। एंड वहाँ पे परफॉर्म करने का भी मेरे को थोड़ा पैसा तो मिलेगा, बट उतना पैसा नहीं मिलेगा। सो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा स्टंट करने के लिए, क्योंकि मेरे को जो है चैंपियन बनना है और मेरे को वहाँ पे जीतना है, लोगों को इंप्रेस करना है, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस जगह पे मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, तो मुझे अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और गाइस मेरे को नया बाइक भी चाहिए, क्योंकि इस बाइक के अंदर मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छे परफॉर्म कर पाऊंगा, तो मेरे को सबसे महंगी वाली बाइक जो कि यार सुपर बाइक हो, जिससे मैं अच्छे से अच्छे स्टंट कर पाऊँ, तो वो बाइक भी लेनी है। इसलिए मैंने जो है अपने दोस्त यश को कॉल कर दिया, और उसने मुझे बोला है कि यार मैं तुम्हारी किसी बिजनेसमैन से मतलब मीटिंग फिक्स करवाता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि यार अगर वो तुम्हें लाइक लोन के अंदर अगर दे सकता है बाइक तो देखते हैं, क्योंकि वो जो बंदा है ना वो उसका दोस्त है, मतलब यश का दोस्त है वो बिजनेसमैन, और वो कार की डीलरशिप वगैरह बाइक की डीलरशिप वगैरह करता है, तो हो सकता है कि यार इस रेस के लिए वो हमें कोई अच्छी सी बाइक दे दे, बाद में हम उसका बाइक जो है रिटर्न कर देंगे और रेस में जीती हुई कुछ पैसे उसको भी दे देंगे। अब देखते हैं कि यार वो मानेगा या फिर नहीं, बट फिलहाल के लिए मैं अपनी बाइक को हवा में उड़ाने वाला हूँ। अब देखते हैं यार मैं नीचे गिर गया ना तो भाई लगने वाला है अपने बहुत बुरे लगेंगे। अब भाई रेस के दिन भी अगर ऐसा हो जाता है ना तो भाई जान तो चली ही जाएगी भाई, बाइक की भी हालत ऐसी ही रह जाएगी, और भाई मेरे को स्वर्ग में प्यारा नहीं होना। और भाई मैं तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ यार, तुम्हारा भाई प्रो हो चुका है कि अरे भाई साहब हवा में बाइक निकाल दी यार मैंने, अरे नहीं 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 अरे भाई नीचे गिर गया मैं, मेरे को भाई बाइक से बस बस भी मैं बाइक से ना गिरूँ यार, बाइक से नहीं रे मर जाऊँगा मैं। अरे भाई साहब गाइस जितनी ऊपर से गिरा हूँ यार भाई हाथ पे टूट चुके अपने भाई साहब, वो भाई मैं क्या ही बोलूँ भाई, मैंने बोला था भाई ऊपर से नहीं गिरा भाई, एंड मौके पे भाई मैंने कहीं तो ड्रिव लिया था यार छी। चलो यार अभी मैं जी हॉस्पिटल पे जाना पड़ेगा भाई, अच्छे से चल भी नहीं पा रहा हूँ। चलो भाई यार बाइक उठा के चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर, और भाई 2 बजे तो मेरी उस मैनेजर के साथ मीटिंग भी फिक्स है और मुझे वहाँ पे भी जाना है। अगर भाई पट्टी वगैरह लग गई ना तो भाई गजब हो जाएगा, वो बंदा सोचेगा कि भाई हम कोई गैंगस्टर हैं, और भाई हो सकता है वो हमें कोई बाइक भी ना दें, क्योंकि भाई इससे उसकी कंपनी का नाम खराब हो सकता है, तो हो सकता है कि यार वो हमें ना दे, बट बाद में देख लेंगे यार क्या होता है। बस यार वो मैनेजर
हमें अपनी बाइक दे दे यार अपनी रेसिंग के लिए। बस इस बाइक से मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगा। एंड अभी मैं जाने वाला हूँ हॉस्पिटल पे और सामने रहा है ये हॉस्पिटल। और भाई इतनी महंगी महंगी कारें हैं भाई इस सिटी के अंदर, काश मेरे पास भी कोई अच्छी सी कार होती। तो चलो यार यहाँ पे मैं उतरता हूँ धीरे से भाई धीरे से, और हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं यार, हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं एंड देखते हैं यार उसके बाद क्या होता है। एंड मुझे आगे भी जाना है, यश ने मुझे बुलाया था यार, मुझे वहाँ पे भी उसके साथ बातचीत करनी है। और 2 बजे तो भाई उस मैनेजर के साथ मेरी मीटिंग भी फिक्स है। ओके तो गाइस अभी मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के आ चुका हूँ, बट शुक्र मनाओ कि मेरे को भाई कोई बाहर की साइड पर पट्टी नहीं लगी, मतलब मेरे हाथ के अंदर थोड़ी सी यहाँ पे मलम वगैरह लगाया है एंड मेरे जो चेस्ट है उसके अंदर और मेरे पैरों में भी थोड़ा थोड़ा लगा था, तो वहाँ पे भी जो है थोड़ी सी पट्टी लगी है। मतलब अंदर तो कपड़ा है तो इस वजह से वो दिख नहीं रहा है, बट हाँ मेरे को लगी तो थी भाई, जबरदस्त वाली लगी थी। बस यार रेसिंग के दिन ना वैसी कोई लगी ना, बट यहाँ पे ये कौन सी सीक्रेट जगह है यार, मतलब मस्त जगह लग रही है मेरे को, तो लगता है यार कोई गैंगस्टर की जगह है। मतलब ऐसी कौन सी जगह होती है यार यहाँ पे, मतलब इसके अंदर ना ही कोई आदमी दिख रहा है मेरे को, ना ही कुछ दिख रहा है। चलो यार यहाँ पे मैं बाहर की साइड पे जाता हूँ, मतलब पीछे की साइड पे जाता हूँ, देखते हैं कि यार यहाँ पे है क्या चीज़। अगर ये कोई अच्छी सी मतलब खाली जगह हो गई तो भाई मैं यहाँ पे अपना डेरा डाल सकता हूँ एंड यहाँ से हम लोग अपना बिजनेस भी ऑपरेट कर सकते हैं भाई, इसके अंदर कब्जा कर सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं यार, बट वेट, मेरे को लगा कि किसी ने मेरे बाइक को भाई ठोका है, साउंड आ रहा है भाई मेरे को, भाई जल्दी जल्दी देखने भाई वो रेड कार यहाँ पे। और रे भाई साहब इसने तो मेरी भाई बाइक गिरा दी भाई, इसको मैं नहीं छोड़ने वाला, जल्दी से बाइक पकड़ो भाई, इसको मैं नहीं छोड़ने वाला। चलो यार यहाँ से चलते हैं भाई, कहाँ भाग रहा है वो बंदा भाई, मेरी बाइक को भाई मैंने साइड पर लगाया था भाई, बीच रोड पर थोड़ी ना लगा के मैं चला गया था यार, इसको नहीं छोड़ने वाला मैं तो अभी भाई। साइड की कारों को भी ठोके चल जाते, रुक भाई तेरे को तो मैं बताता हूँ भाई। भाई ये बंदा रुक ही नहीं रहा यार इसके सामने, अरे ये क्या बंदा है यार, कही तो बंदा है भाई, सामने की साइड पे जा रहा हूँ भाई, ये रुक ही नहीं रहा भाई, दूसरी गाड़ी को भी ठोक दिया, दूसरी गाड़ी भी ठोक के चला गया भाई इसको। रुक भाई तेरे को तो मैं छोड़ने वाला, AK-47 निकालो भाई पहले तो, इसको नहीं छोड़ने वाला मैं भाई, ठोको इसकी कार फोड़नी पड़ेगी मेरे को, और इस बंदे को भी मारने वाला हूँ मैं भाई साहब, भाई छोड़ने नहीं वाला, तू निकल भाई, तू जल्दी निकल भाई। ये बंदा लिटरली भाई गाड़ी घुमा रहा है भाई, इसकी गाड़ी फूट चुकी है भाई, बाहर निकल तू, ये ऐसे ही लगा रहा है। चलो यार यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर निकालता हूँ भाई, इसकी गाड़ी को तो फोड़ना पड़ेगा भाई, हमसे कैसे पंगा ले लिया भाई तूने। अभी यहाँ पे मैं इसको रॉकेट लॉन्चर के साथ उड़ाने वाला हूँ, भाड़ में जातू भाई। मतलब यार हमारी बाइक को ऐसे कैसे तोड़ सकता है भाई, एक ही तो हमारी प्रॉपर्टी है, उसी को भाई ये ठोक के चला जा रहा है बंदा। और अभी मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है किसी ना किसी ने तो यहाँ पे पुलिस को फोन कर ही दिया होगा भाई, मैंने रॉकेट लॉन्चर से गाड़ी को उड़ाया यार। यहाँ से मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस पे हाथ आ गए ना भाई, वो छोड़ेंगे नहीं भाई। भाई अभी रेसिंग भी करनी है मेरे को, और भाई मैंने पता नहीं यार क्या कर दिया यहाँ पे मेरे गुस्से में, और मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई रेसिंग के लिए। भाई अगर मैं यहाँ पे किसी का हाथ लग गया, पुलिस के हाथ लग गया, तो अपना रेसिंग कॉम्पिटिशन तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा हमारी भाई सिटी के अंदर नाम खराब हो जाएगा। मतलब यार लोग हमें भाई गैंगस्टर समझेंगे, और हमें अभी गैंगस्टर नहीं बनना, हमें भाई अच्छे से कमाना है यहाँ पे, गैंगस्टर बनेंगे तो हम बाद में बनेंगे, तो यहाँ पे हमें चलेंगे अभी के लिए। और भाई साहब ऐसे स्टंट करने चाहिए भाई मेरे को तो। और भाई यहाँ पे मेरा अभी यश के साथ बात हुआ, और उसने मुझे बोला है कि जल्द से जल्द मैनेजर की मीटिंग में पहुंचो, उसके पास एक से एक कार है और भी लोग आए हैं उसकी जो कार एंड बाइक्स वगैरह लेने के लिए, तो तुम्हें जल्दी वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ उसके पास जल्दी। सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद है बिल्कुल लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, टेक केयर।